गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम नौका इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 12 द सप्लीमेंट्री बुक विस्टास, सेकंड चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द पार्ट 1 इन सेकंड चैप्टर। नाउ सी द पार्ट 2। अभी ये जो बच्चा था छोटा, जिसको क्राउन प्रिंस इसलिए कहते हैं कि ये जो बच्चा था वो बड़ा होकर किंग बनने वाला था, क्योंकि उसके फादर किंग थे। उनका जो भी पोस्ट थे वो उनको क्या होते मिलने वाली थी, यानी उसको क्राउन प्रिंस कहा गया है। और दूसरा नाम जंग जंग बहादुर कहा गया है। तो ये जब छोटा बच्चा था तब से उसको हर एक चीज़, जैसे कि उनके लिए एक इंग्लिश काऊ रखी थी, उसका मिल्क उसको पिलाया जाता था। उनके लिए ट्यूटर जो था वो भी इंग्लिश ट्यूटर, नैनी यानी जो दासी बोलते देख रेख रखने वाली, वो भी इंग्लिश बोलने वाले रखी थी। उसको ट्यूटर भी यानी टीचिंग भी उसको इंग्लिश मैन से सिखाया गया। उसका मीनिंग ये था कि उस टाइम पर ये जो पूरा एरिया था वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ों की जो हाव भाव थी, इम्प्रेशन थी, ये सब जो राजा थे महाराजा थे उन पर बहुत ज़्यादा थी। और हर एक जो महाराजा थे अपने बच्चों को वो इंग्लिश में ही क्या करते थे, टीचिंग देते थे। इंग्लिश पूरा कल्चर क्रिएट करने के लिए घर में जो दासी है या जो पढ़ाना है, खास करके जैसे कि मूवी देखते हैं तो भी कैसे इंग्लिश मूवी देखते थे, इस तरह से जैसे अपने बच्चों को इंग्लिश कल्चर में ही क्या करना है, बड़ा करना है, ऐसा सोचते थे। और इस तरह से वो चलता रहा। अभी ऐसे ऐसे ये बच्चा बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ। 20 साल का होने के बाद उसकी जो ये उसको पहले क्राउन प्रिंस कहा गया था, यानी ये जो किंग की जगह उसको बिठाना था, और 20 साल के बाद उसको उसका जो किंगडम था उसको वही पोस्ट मिल गई, यानी उसको राजा बनाया गया। अभी ये राजा बना दिया, लेकिन जो जब उसके जन्म के 10 दिन जो इंसिडेंट हुआ था, जो एक मिरेकल हुआ था, वो सब लोग को याद था। उनके घर में जो दास दासी थे सब लोग, और वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे कभी कभी बातें करते थे, डिस्कस करते थे। तो ये बातें धीरे धीरे एक दिन ये जो किंग बना था उसके कान पे पड़ी। उसको सब चीज़ याद हुई कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा कहा था कि मुझे किससे ध्यान रखना है, ये टाइगर से ध्यान रखना है। तो उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूँ, जो एस्ट्रोनॉमर ने बोला था, जो उसने प्रेडिक्ट किया था, उसने आगाही की थी, तो उसको मैं क्या करूँ, आज से स्टार्ट कर दूँ। तो उसने सोचा कि भाई मैं प्रतिमापुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे टाइगर है, तो मैं टाइगर को मारकर मैं क्या करूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। और उसने एक सेंटेंस याद रखा कि देयर कुड बी सर्टेन नो ऑब्जेक्शन किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। उसमें एक सेंटेंस है कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए काउ को जिसको क्या बोलते हैं लोग, पूजा करते हैं माता के नाम पे बुलाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको काउ को मारना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो किसको मारना था, एक टाइगर को मारना था। तो उसने सोचा कि भाई टाइगर को मैं मारूं अगर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन किसी को होगा नहीं। और इस तरह से उसने क्या किया, वो हंटिंग के लिए निकल गया, और पहला जो टाइगर था उसने क्या किया, मार दिया। मारने के बाद वो जो टाइगर है उसको डेड बॉडी उसको लेकर आता है, और वो जो एस्ट्रोनॉमर था जिसने कहा था कि भाई आपको आपकी मौत किससे होगी, एक टाइगर से होगी, तो उसके सामने ले जाता है और उसको सामने रखकर बोलता है कि अभी आपका क्या कहना है। तब ये जो एस्ट्रोनॉमर था वो बोलता है कि भाई योर मेजेस्टी, आप 99 टाइगर्स को मारोगे तब तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बोलकर उड़ गया। तो बोलता है क्या 99 टाइगर, उसके बाद क्या? तो बोले ना आपको ध्यान किससे रखना है, 100 टाइगर का, जो 100वां टाइगर है उससे आपको डर है, 99 टाइगर आप इसी तरह से इजीली क्या कर सकते हो, मार सकते हो। तो किंग एकदम गुस्से हो जाता, बोलता है अगर मैंने 100 टाइगर यानी 100वां जो टाइगर है उसको भी मार दिया तो क्या होगा, क्या करोगे? तो बोलता है कि अगर इस तरह से हुआ तो मेरी अपनी जितनी भी जो बुक्स है एस्ट्रोनॉमी की, मैं उसको क्या करूँगा, फाड़ दूंगा, उसको जला दूंगा। और मेरी जो चोटी, आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉमर यानी जो ब्राह्मण होते हैं उनकी चोटी बहुत ही पूजनीय होती है और उनको बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो बोलते हैं कि मैं अपनी चोटी भी क्या करूँगा, कटवा दूंगा, ओके, और मैं क्या करूँगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, यानी ये सब काम मैं छोड़ दूँगा। इंश्योर वो कहना चाहता है कि मैंने जो कहा है वो सब सही है, उसमें कोई डाउट या कोई इसमें शक करने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड स्टोरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अभी थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है कि थर्ड पार्ट में होता है
कि अभी उसी दिन से टाइगर, ये जो प्रिंस था, जो किंग बना था, उसने सोच दिया कि भाई अभी आज से ये जो प्रतिमापुरम है वहाँ पर हर एक के लिए टाइगर हंटिंग पर क्या कर दो, बैन लगा दो। इन शॉर्ट ओनली ये जो किंग है वही क्या कर सकता है, टाइगर की हंटिंग कर सकता है, दूसरा कोई भी इंसान टाइगर को मार सकता नहीं है। और ये करने के लिए उसने एक जैसे एक ऐलान करा दिया कि अगर किसी ने टाइगर को पत्थर भी मारा तो उसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर जाएगा, सीज कर ली जाएगी। सीज कर लिया नहीं, उसको ये जो किंग है वो ले लेंगे। इन शॉर्ट आपको कभी भी टाइगर को किसी भी तरह से नुकसान या कुछ भी करना नहीं, ऐसा उसने क्या कर दिया, पूरे जो उसका किंगडम था उसमें ऐलान करा दिया, एक अनाउंसमेंट करा दिया। तभी से कोई भी क्या करता था, प्रतिमापुरम में कोई भी टाइगर को मारता नहीं था। अभी एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि प्रतिमापुरम में एक जो फॉरेनियर जो उस टाइम का बहुत ही बड़ा उसकी पोस्ट थी, वो वहाँ पर आया और उसने आकर, जैसे वो खुद नहीं आया लेकिन उसका जो मिनिस्टर था उसको यहाँ पर भेजा किंग के पास और पूछा कि मुझे प्रतिमापुरम में टाइगर को मारने की क्या करो, परमिशन दो। लेकिन टाइगर मारने की परमिशन ये किंग ने मना कर दी, तो यहाँ पर उसको भी मना कर देते कि आप टाइगर को नहीं मार सकते, आप उसके अलावा कोई भी, जैसे बोर हंटिंग कर सकते हो आप, माउस हंटिंग कर सकते हो और लास्ट में मॉस्किटो हंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अभी इसकी वजह से मना तो कर दिया, तो वहाँ का जो दुराई, दुराई यानी ये जो फॉरेन ऑफिसर था उसका जो मिनिस्टर था उसको दुराई कहे थे यानी, तो उसने जाकर बता दिया अपने ब्रिटिश ऑफिसर को कि भाई हमें मना कर दिया है। तो अभी ये जो किंग था उसके किंगडम पर जैसे प्रॉब्लम आ गया कि भाई अगर ये गुस्से हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो उसको ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसने क्या किया, ये किंग ने, कि जो दुराई, दुराई की वाइफ यानी जो ये ऑफिसर था फॉरेनर ब्रिटिश ऑफिसर, उसकी जो वाइफ थी उसके लिए उसने क्या किया, गहने मंगाए। वहाँ का जो कलकत्ता में एक फेमस एक ज्वेलरी था जो एकदम अलग अलग टाइप की रिंग बनाता था, अलग अलग जैसे कि डायमंड की, तो उसने मंगवा कर जैसे उसको गिफ्ट दी, उसने 50 सैंपल भेजे, तो उसने सोचा कि भाई कोई एक दो रखेंगे और बाकी वापस भेजेंगे। इस तरह से उसने सब सैंपल उसको दुराई को भेजा, दुराई ने क्या किया, सब सैंपल ले लिया और बोला कि भाई थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, और इस तरह से उसने ये पूरा के पूरा सामान रख दिया। और दूसरे या तीसरे दिन में ये किंग को जैसे वहाँ से उसने जो मंगवाई थी ये रिंग उसका बिल आ गया, जिसका वैल्यू टोटल 3 लाख थी। वो 3 लाख का बिल वो पे करता था लेकिन फिर भी वो सोचता है कि भाई मैंने जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका जो गुस्सा था वो मैंने क्या कर दिया, उसके लिए शांत कर दिया और मैंने अपने किंगडम को क्या किया, उससे बचा लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टोरी कंप्लीट होती है।